वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे क्लबियों। वैसे तो आज सुबह 8 से 9:30 बजे तक मैंने आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया और पूरे 1.5 घंटे आप लोग मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कुछ शिष्यों के द्वारा मुझसे पूछा भी गया कि सर सिविल सर्विसेज में UPPCS में क्या करंट अफेयर के पूछे जाने का पैटर्न वही रहता है जो आप बता रहे हैं SSC रेलवे या फिर लेखपाल के जैसा? तो मैं बता दूं, उस समय भी बताया था कि नहीं, उससे पैटर्न कुछ जो है अलग रहता है और किस तरह का पैटर्न होता है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस सेशन का जवाब लिखेंगे और जितना हो सके उतना उसका जवाब लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब किसी क्वेश्चन का आप जितना एक्सप्लेन डीपली करते हैं वो हमेशा आपके लिए याद हो जाता है जब उसको आप लिखते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन, यह रिपोर्ट नाटो के द्वारा जारी किया जाता है। कौन? ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ऑप्शन सेकंड, भारत सैन्य खर्चे के मामले में अमेरिका चीन के बाद तीसरा स्थान पे रहा। ऑप्शन थर्ड, वर्ष 2019 में भारत का रक्षा खर्च 71.1 बिलियन डॉलर था जो भारत के कुल GDP का 2.4% रहा। और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन, वर्ष 2019 में कुल वैश्विक रक्षा खर्च 1917 बिलियन डॉलर था जो 2018 के वर्ल्ड GDP के मुकाबले 3.6% अधिक रहा। इन चार ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है यही आपको आंसर करना है। और इसी पैटर्न पे सिविल वगैरह में GS या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।